हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस का जो स्टूडेंट है एमपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बात करने आया हूं कि आपका जो फिजिकल है 3 जून से स्टार्ट होने वाला है क्योंकि 12 मई के बाद जो 13 मई से फिजिकल बंद हो चुके थे। अब जो बच्चे फिजिकल तैयारी कर रहे हैं तो आज देखा जाए तो आज से जो हवा चल रही है बहुत ही ख़तरनाक हवा चल रही है जिसमें बच्चों का जो एमपी पुलिस वाले बच्चे और एसएसजीडी वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो आज देखा मैंने सुबह ग्राउंड में भी और सुबह जब हवा तेज प्रकोप दिखा रही है और आउटब्रेक हो रही है हवा और ये हवा का दौर 15 से 20 दिन के अंतराल तक चलेगा और कुछ ज़्यादा समय भी हो सकता है क्योंकि मानसून प्री मानसून भी आने वाला है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, थोड़ा आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बॉडी एक्सरसाइज अच्छे से करना आप क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हवा धकेली के पीछे तो आपका समय ज़्यादा आएगा क्योंकि अभी जो हवा का समय है ये एयर जो चलती है प्री मानसून आने आ गया है और प्री मानसून आज लगता है कि 22 और 23 को थोड़ा बहुत बरसात भी हो सकती है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग हमने देख रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और एसएसजीडी का भी अभी फिजिकल चल रहा है तो बच्चों का आज से समय सुबह मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे हो गया है क्योंकि उन्हें जो फिजिकल ले रहे हैं जिस भी सेंटर से जिस भी कैंपस से आप फिजिकल हो रहा है एसएसजीडी का तो वो कैंडिडेट की को देखते हुए उन्होंने यह डिसीजन लिया है। सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है और एमपी पुलिस का जो रहेगा तो मुझे लगता है जहां तक रिपोर्टिंग टाइम 4 बजे का रहेगा क्योंकि अभी आप भी जिस भी अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे घंटे भर में आपके पास आ जाएगा या आप जैसे अपलोड होता तुरंत प्रभाव से देख लोगे तो आपको खुद को मैसेज होगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। आप 800 मीटर तैयारी कर रहे हो तो आराम से आप 1600 मीटर रनिंग करते रहो और रनिंग करने से क्या होता है कि आपका शोल्डर उतरता है, आपके बाइसेप और ट्राइसेप उतरते हैं तो उसके जैसे गोला फेंकने में भी दिक्कत आती है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है तो लॉन्ग जंप भी बहुत सारे कैंडिडेट को तकलीफ आ रही है, अभी लॉन्ग जंप सही तरीके से हो नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अपर एज वाले कैंडिडेट हैं वही एमपी पुलिस के एग्ज़ाम पास कर पाए हैं जैसे कि 23, 24, 25, 26 साल वाले, 27, 28, 29, 30 साल वाले कैंडिडेट, तो उनसे रनिंग तो हो रही है हल्की हल्की पर कहीं ना कहीं दिक्कत लॉन्ग जंप में आ रही है। मेरे खुद के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लॉन्ग जंप में तकलीफ आ रही है, कोई लाइन पर जा रहा है, कोई फाउल कर रहा है, तो जिस जो समय मिला है बच्चों को उसको सही यूटिलाइज कीजिए आप। और जो आपका जिस भी ट्रेनर के अंडर में आप रनिंग कर रहे हो किसी न किसी ट्रेनर के अंडर में आप रनिंग कीजिएगा, ठीक है, अपने मन चाहे तरीके से रनिंग मत कीजिएगा क्योंकि इंजर्ड होने की संभावना 99.99% रहती है। और जहाँ तक मैं ग्राउंड में देखता हूँ तो बच्चे का दर्द वो खुद जो बच्चा कुछ नया बच्चा है तो उसके सामने बात करता है मेरा ये दर्द हो रहा, मेरा वो दर्द हो रहा, पैर सीन पेन तो होना वाजिब है। आप एज के अनुसार आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, एमपी पुलिस की एग्ज़ाम निकाली आपने नीमच, ठीक है, तो आपने 2 साल तो कोविड में ध्यान दिया नहीं और उसके बाद तुरंत प्रवास से रनिंग हो गया, आप भी भरोसे में थे कि पुलिस की होगी कि नहीं होगी तो आपने फिजिकल नहीं किया, एकदम तुरंत प्रवास से फिजिकल हो गया है तो आपने रनिंग नहीं किया। आपको जिन्होंने रनिंग की रही है तो उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी और जो कैंडिडेट हैं क्योंकि समय कम बचा है 10-12 दिन है, 10-12 दिन में अपने आप को निचोड़ दो और गोला फेंक में आपका ज़्यादा रनिंग करोगे लंबी रनिंग करोगे साथ, ठीक है। जो ऐसे अधिकतर ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमपी पुलिस और एसएसजीडी की दोनों की एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं तो उनके लिए खास बात है, आप लंबी रनिंग कर रहे हो तो आपका शोल्डर उतरेगा उतरेगा तो आप अच्छे से रनिंग कीजिए और अच्छी डाइट लीजिए, डाइट पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है, ग्रीन और वेजिटेबल खाइए अच्छे से और जिसके नॉनवेज वेज चलता है नॉनवेज चलता है नॉनवेज लीजिए, आप फिश खाइए मछली खाइए और जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए बादाम वगैरह घी अखरोट वगैरह दूध में घी डाल के पीजिए आप अच्छे से और सीन पेन तो होना वाजिब है मैं आशा करता हूँ। और आपका आपका फिजिकल डेट है ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एसएसजीडी वाले भैया आपको बेस्ट ऑफ लक सुबह मॉर्निंग वाले के लिए, अच्छे से रनिंग कीजिएगा और समय का ध्यान रखिएगा, थोड़ा धूप में रनिंग करवा रहे हैं आपकी हवा का प्रकोप भी है तो अच्छे से आप रनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट आज सोल्व कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।